नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। अब बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, ट्रायल के दौरान नाम से पहले नवाब या महाराजा जैसे शब्द क्या लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति संवैधानिक कोर्ट या ट्रायल के कोर्ट के समक्ष नाम से पहले महाराजा या राजा, नवाब या राजकुमार जैसे शब्द लगा सकता है। इधर आपको बता दें कि जस्टिस समीर जैन ने ये निर्देश भगवती सिंह की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा है कि संविधान में 26वां संशोधन कर अनुच्छेद 363A जोड़ा है, इसमें आपको बता दें कि नाम कोई आगे नहीं लगा सकता है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा नहीं बना पाएगी। इतना ही आत्मविश्वास है तो यूपी में नेता बीजेपी को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि यूपी बीजेपी के नेताओं का पलायन हो रहा है, मंत्री एमएलए छोड़ रहे हैं, इतना ही आत्मविश्वास है तो लोग बीजेपी को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। यूपी बीजेपी में खींचतान भी जग जाहिर है। राम मंदिर के चुनावी फायदे पर पायलट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसका सब दलों ने स्वागत किया है, बीजेपी को अब इसका फायदा नहीं होगा। बीजेपी साकर भी राम मंदिर को मुद्दा नहीं बना पाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अलवर में विमंदित बालिका प्रकरण को लेकर है सियासी बयानबाजी पर गहलोत का एतराज, का जांच पूरी होने तक कोई टिप्पणी सही नहीं। बीजेपी उच्च समिति आज अलवर में है। अलवर में विमंदित मुख बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस मुद्दे को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी पर सीएम अशोक गहलोत ने कड़ा एतराज जताया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि ममता भूपेश का विवादित बयान, दरिंदे तिलक लगाकर नहीं घूमते की पहचान हो सके। अलवर में मुखबधिर बालिका के साथ रेप की वारदात के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने विवादित बयान दिया है। ममता ने कहा है कि दरिंदे हमारे आपके बीच होते हैं, वे तिलक लगाकर नहीं घूमते की उनकी पहचान हो सके। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अलवर गैंग रेप को लेकर ही है। सुरक्षा की मांग करने पहुंची बच्चियों के प्रति कलेक्टर का अजीब व्यवहार, बोले राजनीति नहीं पढ़ाई करो। मुख बधिर बच्ची से गैंगरेप के बाद तिजारा और भी इस पर फेंके जाने की घटना के विरोध में देश भर में आवाज उठ रही है। जिले में बढ़ता महिला अपराध और अपनी सुरक्षा की मांग करने पहुंची छात्राओं के प्रति अलवर जिला कलेक्टर नत्रुमल पाड़िया का बातचीत के दौरान अजीब व्यवहार दिखा। उन्होंने बालिकाओं की बात सुनने के बजाय उन्हें नसीहत देना शुरू कर दिया। उन्होंने बात बताकर कई छात्राओं के मोबाइल नंबर मांगे, फिर उनके पिता के मोबाइल नंबर मांगे और वहां मौजूद एडीएम सीटी सुनीता पंकज से कहा कि इनके मोबाइल नंबर नोट करो और पिता से बात करो कि आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति करने। इस पर बालिकाओं ने अपने मोबाइल नंबर उन्हें बताए और कहा कि वे अपने परिजनों की अनुमति से ही अपनी बात यहां रखने आई हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा है कि राजनीति नहीं पढ़ाई करो। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने कहा कि अपने हक की आवाज उठाना राजनीति तो नहीं हो सकता। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर देश से जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स की चेतावनी, दूसरी लहर की गलती दोहरा रही है सरकार, पायलट की चूक से क्रैश हुआ था जनरल रावत का हेलीकॉप्टर। देश से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको दे रहे हैं। टॉप डॉक्टर्स की सरकार को चिट्ठी है कि दूसरी लहर की गलती जनता दोहरा रही है। देश के 35 टॉप डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है और कहा है कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर में की गई गलती को दोहरा रही है। डॉक्टर्स ने कोरोना की तीसरी लहर में एविडेंस बेस्ड रिस्पांस की अपील की है। उन्होंने ऐसी दवाओं और टेस्ट को रोकने के लिए कहा है जो इलाज के लिए जरूरी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इधर बड़ी खबर, तकनीकी खराबी नहीं, पायलट की चूक से क्रैश हुआ था सीडीएस रावत का सॉफ्टवेयर। इसके पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी से क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि अचानक बदले मौसम की वजह से पायलट की चूक की हादसे की वजह से बनी थी। 3 सेनाओं की संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि पायलट की चूक से ही ये सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको देने की, प्रदेश की सबसे ये बड़ी और अहम खबर है। आगे हम कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, फर्जीवाड़े का मास्टर नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की ग्रेड बदली, थर्ड ग्रेड टीचर ने 30 साल की नौकरी में 1 करोड़ वेतन उठाया। अंधेर नगरी सौपट राजा, ऐसी ही कहानी है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। एक ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती दस्तावेज से नौकरी लगाकर और 30 साल तक नौकरी करता रहा, लेकिन किसी को कोई खबर तक नहीं। शिक्षक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी और अन्य सुविधाएं शिक्षा विभाग से ले चुका है। अब शिक्षक की ये शिकायत हुई तब उसने रिटायरमेंट के 5 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का जो गुर्गा है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। रिंग्स में बड़ी वारदात को ये अंजाम है वो देना चाहते थे, पुलिस ने नाकाबंदी करके उन्हें पकड़ा है, साथ ही 3 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। ये बड़ी खबर राजस्थान के सीकर जिले से है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अलवर में विमंदित बालिका प्रकरण पर प्रियंका गांधी ने पीड़िता से बात की है और पिता से बात करके दिलाया न्याय का भरोसा, सीएम गहलोत से ली घटना की जानकारी।
बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अलवर में मुखबधिर बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में भाजपा लगातार गहलोत सरकार और प्रियंका गांधी पर हमलावर बनी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि आपकी बेटी को हम जरूर न्याय दिलाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाएगा। खादी से बना विश्वकालीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सेना दिवस पर शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर कोरोना अपडेट लाइव को लेकर है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 10,307 नए संक्रमित मिले हैं, बल्कि 3 लोगों की मौत भी हुई है। अब एक्टिव केस हैं वो 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। जयपुर में 2549 सबसे ज्यादा केस मिले हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी हमारे पास है, कौन से जिले से कितने केस हैं वो पिछले 24 घंटों में मिले हैं। डूंगरपुर में 143, गंगानगर में 104, हनुमानगढ़ में 388, जैसलमेर में 174, जालौर में 0 केस, झालावाड़ में 124, झुंझुनू में 75, करौली में 5, नागौर में 64, पाली में 190, प्रतापगढ़ में 84, राजसमंद में 122, सवाईमाधोपुर में 195, सीकर में 161, सिरोही में 105, टोंक में 70, धौलपुर में 71, दौसा में 99, चूरू में 141। बात करें चित्तौड़गढ़ की तो यहाँ 241, बूंदी में 41, भीलवाड़ा में 213, बाड़मेर में 268, बारा में 97, बांसवाड़ा में 100, कोटा में 348 केस मिले हैं, अजमेर में 382, भरतपुर में 576, उदयपुर में 735 और बीकानेर में 615। जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ 801 केस मिले हैं, अलवर में 1027 केस मिले हैं और राजधानी जयपुर में 2549 केस मिले हैं। ये थी राजस्थान की आज की कुछ बड़ी खबरें। मिलते हैं नहीं तमाम बड़ी खबरों के साथ।